अखिल भारतीय वीर सिंह जूदेव हॉकी टूर्नामेंट 7 मार्च से शुरू। आयोजन समिति ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। टीकमगढ़ में रविवार को स्थानीय अमर शहीद नारायण दास खरे स्टेडियम गंजी खाने में वीर शहीद जूदेव आयोजन समिति ने नगर में होने वाले भव्य हॉकी क्रिकेट टूर्नामेंट संबंधी जानकारी आज पत्रकार वार्ता का आयोजन में कर मीडिया को देते हुए बताया कि हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन समाज के सभी आयु एवं वर्गों के नागरिकों में प्रतिवर्ष उत्सव की तरह मनाए जाने की परंपरा है। बुंदेलखंड के आसपास के जिलों के लोग भी इस आयोजन की वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। प्रशासन जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों के शानदार समन्वय का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराज वीर सिंह जूदेव द्वितीय हिंदी साहित्य तथा खेलों के प्रति समर्पित रहे हैं और इसका उदाहरण हिंदी भाषा का तत्कालीन सर्वोच्च सम्मान देव पुरस्कार पद्मश्री असगरी बाई का ध्रुपद के प्रति समर्पण तथा देश के प्रख्यात वाइटन कप कोलकाता, यादवेंद्र कप लखनऊ, सिंधिया गोल्ड कप ग्वालियर तथा आगा खान ट्रॉफी मुंबई का टीकमगढ़ आना है। इन उपलब्धियों ने हॉकी के खेल में टीकमगढ़ का नाम देश में प्रमुख स्थानों पर पहुँचाया है। महाराजा वीर सिंह जूदेव द्वितीय के निधन के बाद टीकमगढ़ की जनता ने श्रद्धांजलि के रूप में अखिल भारतीय वीर सिंह जूदेव हॉकी टूर्नामेंट का सन 1957 में प्रारंभ किया था एवं कुछ वर्षों को छोड़कर यह आयोजन निरंतर होता रहा है। टीकमगढ़ की टीम हार गई, ये उस दिन पूरी रियासत में बड़ी चिंता का विषय था। महाराज ने जल भावनाओं को देखते हुए टीकमगढ़ में हॉकी का परचम लहराए ऐसा तय किया और उसके लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो श्रेष्ठ अखिल भारतीय वीर सिंह देव हॉकी टूर्नामेंट 7 मार्च से और 15 मार्च के मध्य हमें हॉकी इंडिया से डेट मिली थी। आयोजन समिति से 7 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित कर रही है और इसमें देश की ख्याति प्राप्त टीमें देश के चारों दिशाओं से टीमें शामिल हो रही हैं। 16 पुरुष टीमें इसमें भाग ले रही हैं और 12 महिला वर्ग में टीमें भाग ले रही हैं। लगभग कितने साल से ये टूर्नामेंट अभी हो रहा है? टूर्नामेंट 1957 से प्रारंभ हुआ था और ये इसका 56वां वर्ष है। बीच में कुछ कारणों से टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो पाया है, इस वर्ष ये 56वां है और महिला हॉकी का ये 5वां वर्ष है। विजेता टीमों को कितनी राशि दी है? जो विजेता पुरुष वर्ग में विजेता टीम को 1,00,000 रुपये, उपविजेता को 50,000 रुपये और महिला वर्ग में विजेता को 75,000 रुपये और उपविजेता को 50,000 रुपये पुरस्कार राशि आयोजन समिति की ओर से प्रदान की। टूर्नामेंट चल रहा है, बाहर से टीमें आ रही हैं, कैसी क्या तरफ है? इसके संबंध में हमें हॉकी इंडिया से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हमने एक नगर पालिका से ऑफिसर की नियुक्ति कराई है जहाँ हमारे खिलाड़ियों के रुकने की आवश्यक व्यवस्था की गई है। वहाँ उनको सैनिटाइजर मास्क ये समिति की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा, प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा और जो भी जिला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जिस तरह के हमें निर्देश देगी उसका समिति अक्षरशः पालन करते हुए आयोजन कराएगी।